दोस्तों, आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, यानी नसें जैसी होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से जुड़ी होती है। यहाँ इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर सबसे ब्रेन है, फिर रीढ़ की हड्डी की तरफ ये लंबी सी लाइन आई है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। बाकी सारी नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से एडजस्ट होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इन नर्व्स का क्या यूज़ होता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे वर्क करता है या ब्रेन कैसे उनको ऑर्डर देता है, तो ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को। उसमें नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो कि पूरी बॉडी में फैली होती हैं। कौन कौन सी, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, ये पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये ब्रेन है और ब्रेन को इन्होंने अलग एक पिक्चर बना के दिखाया इधर, है ना। यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ये सेरेब्रम है, और ये ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है ये सेरेब्रम है, और ये पीछे से बिल्कुल ये नस जैसी आई है मेन, यहाँ पर ये है ना, ये मेडुला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मेडुला। इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं। नर्व्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। बाकी जो छोटी छोटी नर्व्स आपको ये रेड कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी है ना नसें, तो ये पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ये क्या करती हैं, मैसेज को कैरी करती हैं बैक एंड फोर्थ लाइक टेलीफोन वायर्स। यानी कि कोई मैसेज ब्रेन को पहुंचाना होता है तो ब्रेन को पहुंचाती हैं, और ब्रेन से कोई मैसेज वापस पूरी बॉडी को देना है तो वापस बॉडी को देती हैं। मैसेज कैसा, जैसे सपोज आपके आगे पानी का ग्लास रखा हुआ है उठाने के लिए, ठीक है ना, तो आप ऐसे ना उठा के पी लोगे उसको, क्या करो, उस सबसे पहले माइंड आपको आपको जब प्यास लगेगी तो आपका माइंड आपको कहेगा कि आपको प्यास लग रही है, आपको एक ग्लास उठाना चाहिए, ठीक है। तब माइंड हाथों को ऑर्डर देगा, हाथों को ऑर्डर कैसे मिलेगा, मैसेज से, यानी ब्रेन से मैसेज कैरी होके जाएगा किसमें, इस स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज होता हुआ हाथ तक आएगा कि हाँ हमें आदेश मिला है ग्लास उठाने का। फिर हाथ उठाएगा और ग्लास को जाके उठा लेगा जो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर कोई एक दीपक जल रहा है ना, और आपका हाथ इसके पास है, धोखे में आपका हाथ लव के पास आ गया है ना, तो क्या होगा, हाथ में गर्मी आएगी, हाथ ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हाथ जलने लगेगा, तो क्या होगा, मैं ये नसें जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड कौन सी, ये नीचे लंबी सी पूंछ सी दिख रही है ना, तो ये इस तक मैसेज पहुंचाएगी और ये मैसेज ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन कैलकुलेट करेगा, करे यहाँ तो गर्मी है, आपको हाथ हटा लेना चाहिए, तो तुरंत ये हाथ वापस हट जाएगा गर्म होने पर, ठीक है। तो ये एक्शन ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इट कंट्रोल अवर बॉडी मूवमेंट एंड हेल्प अस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अवर मेमोरी। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ थ्री पार्ट, सेरेब्रम, सेरेब्रम एंड मेडुला। ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और ये बॉडी के सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है दिमाग में, है ना। और ह्यूमन ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्रम और मेडुला। अब यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है स्पाइनल कॉर्ड की, इसको आप देखो, ये लंबी सी ये रीढ़ की हड्डी आई हुई है ना, इसके अंदर ये आपको येलो कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे,
है ना डायग्राम में, तो ये स्पाइनल कार्ड होता है, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कार्ड जो है वो सुरक्षित रहता है, ये इसको स्पाइन नर्व भी, और इसके बाद ये ब्लू ब्लू छोटी छोटी स्पाइन नर्व्स निकली हुई हैं ना, इनको स्पाइन नर्व्स कहते हैं, ये पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ रेड दे रखी हैं, ब्लू दे रखी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तो कुछ इस तरह से ये सुरक्षित रहता है स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रम, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, कौन सा, ये ऊपर का गोल वाला हिस्सा, ये वाला, ये सेरेब्रम है, और नीचे ब्राउन वाला सेरेब्रम है, और बाकी ये नीचे नर्व सी आई है छोटी हुई, इसको मेडुला कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ह्यूमन ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग मेमोरी, और ये सीखने के लिए बहुत ही काम में आता है, कुछ याद करने के लिए काम में आता है, इंटेलिजेंस है और लॉजिक है वो हम सेरेब्रम से ही लगाते हैं, और ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। सेरेब्रम, ये सेरेब्रम के नीचे होता है, और ये मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, मसल का कोऑर्डिनेशन और बॉडी के बैलेंस बनाने में मदद करता है सेरेब्रम, अगर ये नहीं होगा तो बॉडी का बैलेंस नहीं बना सकते आप, गिर सकते हो, चक्कर आएंगे। मेडुला, इट आल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, इट कंट्रोल एक्टिविटी सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वॉलिंग एंड स्नीजिंग, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हम खुद नहीं कंट्रोल कर सकते उनको ये चलाती है, जैसे हार्ट बीट है, अगर हम चाह के भी अपने हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, सांस तो रोक सकते हो आप लेकिन हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, है ना, कोशिश करो सांस रोकने की, रुक गई ना, लेकिन अगर चाहो कि दिल कुछ समय के लिए रुक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ब्रीथिंग भी लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल, आप ब्रीथिंग कुछ समय के लिए रोक सकते हो लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सांस अपने आप ही चलने लगेगी, आप इसको चाहो तो करके देख सकते हो, एक मिनट तक, डेढ़ मिनट तक, इससे ज़्यादा आप अपनी सांस को नहीं रोक सकते, प्रॉब्लम होगी और नाक से आपका हाथ अपने आप हट जाएगा। तो ब्रीदिंग भी ये कंट्रोल करती है, और छींकना है, स्वालोइंग है, ये सब यही कंट्रोल करता है मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड थिक कॉर्ड होती है नर्व टिश्यू की, और ये ब्रेन से लेके बैकबोन नीचे तक की होती है, और बैकबोन से प्रोटेक्टेड भी रहती है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है कहाँ, ब्रेन और पूरी बॉडी से, इवन कंट्रोल द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रेन, सच एज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे एक्शन को भी कंट्रोल करती है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे आप जा रहे हो रास्ते में कांटा पड़ा है, आपका पैर पड़ गया था धोखे में, तो आपका तुरंत वहाँ से पैर उठ जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने उस पैर को आदेश दिया पैर हटाओ, तुरंत पैर हट जाता है। तो ऐसे एक्शन जो रिफ्लेक्स होते हैं एकदम तुरंत हो जाते हैं, जैसे आग में हाथ आपका गया, हाथ जलने लग गया कहीं किसी चीज़ गर्म चीज़ को हमें छू लिया, जैसे हाथ जला आपका तुरंत आप हाथ हटा लोगे पीछे को, है ना, तो इस तरह के जो एक्शन होंगे वो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, और ऐसे एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड ही इतना काम कर देती है। नर्व्स, तो आपको पता ही है पूरा जाल था बॉडी में, ये है ना, नेटवर्क ऑफ नर्व्स रन थ्रू आउट अवर बॉडी कैरिंग मैसेज टू एंड फॉर्म द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये पूरी बॉडी में मैसेज को कैरी करती हैं। तीन टाइप की नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी क्या करती है, सेंसरी कैरी करती है मैसेज को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कुछ ऐसी है आसपास हमने कुछ सेंस किया है ना, तो वो मैसेज मिला, या जैसे गुलाब की खुशबू आ रही है ना, या सपोज बहुत अच्छा खाना बना घर में, उसकी आपको जैसे ही आपने स्मेल किया तो वो नर्व्स जो है वो आपके ब्रेन तक ऑर्डर पहुंचा देंगे, और पहले स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाएंगे, स्पाइनल कार्ड उसको ब्रेन तक पहुंचा देगा, यानी सेंसरी नर्व्स जो महसूस करते हैं, जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो उससे महसूस करते हैं, ये क्या करती हैं, मैसेज को दिमाग तक ले जाती हैं। मोटर नर्व्स, ये मैसेज दिमाग से या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके आती है, जैसे अभी आपको बताया था मैंने आपको अगर ग्लास उठाना है तो पहले दिमाग ऑर्डर करेगा कि आपको ग्लास उठाओ, तब आप अपने पास रखा हुआ ग्लास उठा सकते हो। मिक्स नर्व, ये दोनों तरफ चल लेती है, मैसेज
ब्रेन तक भी पहुंचा देती हैं स्पाइनल कार्ड से होते हुए, और स्पाइनल कार्ड ब्रेन का मैसेज बॉडी के पार्ट्स तक भी आ सकता है। तो यानी सेंसरी जो होगा वो दिमाग तक पहुंचाएगा, मोटर नर्व्स जो होगी वो दिमाग से पूरी बॉडी तक मैसेज पहुंचाएंगी, और मिक्स नर्व होगी वो दोनों तरफ चलेगी। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसा अभी आपको बताया था मैंने कि आप जा रहे हो पैर में कांटा लग जाए तो आपका पैर तुरंत हट जाता है, तो इस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ध्यान रखना रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड से काम चल जाता है। दीज एक्शंस आर वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट होते हैं। अब आपको सोचो पैर में कांटा चुभेगा कितना जल्दी आपका पैर उठता है ना। देखो यहाँ पर इसके पैर में कील लग गई और यहाँ से तुरंत उसका मैसेज पहुँचा स्पाइनल कॉर्ड तक, वहाँ से आदेश आया, उसने पैर हटा दिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स उसका होता है। इसी तरह से अगर आपका गर्म पानी में हाथ जाता है तो भी हाथ हट जाता है एकदम से, है ना, या कुछ गर्म खाना मुँह में ले लो तो एकदम उसको थूकते घूमते हो क्योंकि एकदम से मुँह जल जाता है, तो स्पाइनल कार्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो आप तो पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आए होंगे। कौन कौन से होते हैं सोचो, चलो अब बताओ कौन कौन से होते हैं। आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, है ना। ये आइज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आई क्या करती है, ये देखने का काम करती है हमारे आसपास क्या घट रहा है ना। ए पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट इन द आई सॉकेट ऑफ द स्कल, ये स्कल के आई सॉकेट में फिट रहती है और ढकी रहती है किससे, कवर से, जिसको हम आईलिड भी कहते हैं, है ना। और लैसेस होते हैं इस पर, हल्के हल्के बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं धूल से बचाते हैं, यानी धूल बालों में लग जाती है और आँखों तक नहीं पहुँचती है। ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, ये पिक्चर आपको आई का डिफरेंट पार्ट बता रही है। कॉर्निया सबसे ऊपर का पार्ट है ये, है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और प्यूपल इसके बीच में जो होती है, और इसके सेंटर में आयरिस होती है जहाँ से लाइट एंटर करती है अंदर तक, और ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, और यहाँ पर ये एक लेंस लगा हुआ है, देखो दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये लेंस है, और यहाँ पर बीचों बीच में प्यूपल होती है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये यानी हमारी आंखों ने जो देखा ये मैसेज सीधा ब्रेन तक पहुँचेगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं ईयर्स की, ईयर्स सुनने मदद करता है। ए पेयर ऑफ ईयर आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, ये हेड के दोनों तरफ होता है तो पता ही है, कुछ बताने वाली बात नहीं है। और इसके ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ये आपको ईयर की पिक्चर दिख रही होगी, तो यहाँ पर आउटर ईयर ये है, ये मिडल ईयर है और ये इनर ईयर है, 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है। मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं दैट पास साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर, ये ईयर ड्रम को साउंड, ईयर ड्रम से जो साउंड मिलता है उसको आगे को पास करती हैं बोन्स, ठीक है। बाकी ये डायग्राम है, इसको ध्यान से आप लोग देख लेना अपनी अपनी बुक्स में। फिर नोज की बात करते हैं, नोज क्या करती है, डिफरेंट ऑर्डर्स, अलग अलग जो खुशबू है उनको सूंघ के बता देगी कि ये किस चीज़ की स्मेल आ रही है, अच्छी है या बुरी है। नोज कंटेन 2 नॉस्ट्रल, 2 नॉस्ट्रल होते हैं, 2 छेद होते हैं, उनमें हेयर्स भी होते हैं, है ना। वो हेयर इसलिए होते हैं कि बाहर की जो हवा जब सांस लेते हैं तो उसमें फंस जाए और अंदर तक ना जाए, तो वो नसल कैविटी के रूप में बन जाती है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। दी सेल डिटेक्स, उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं, वो सेल क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से टंग्स में भी डिफरेंट टेस्ट के लिए सेंस होते हैं, है ना, ये सेंस करते हैं स्वीट, सॉर, बिटर और साल्टी को। इट हैज़ न्यूमरस टेस्ट बर्ड्स लोकेट ऑल ओवर इट्स सर्विस, पूरी जीभ में
टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट लेके सिग्नल को नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक भेज देते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जो भी है। फिर है स्किन। ये स्किन क्या करती है, फील टच करती है, हीट कोल्ड प्रेशर और पेन को भी सेंस कर सकती है ना। अंडर द सरफेस ऑफ स्किन देयर आर मैनी नर्व्स। स्किन के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक सिग्नल्स को ले जाती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी ईयर का मैं आपको एक 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको देखो। तो यहाँ पर आपको ये ईयर का 3D मॉडल दिख रहा है। देखो ये बाहर का आउटर ईयर है ना, दिख रहा होगा आपको बढ़िया करके। तो सबसे पहला आता है पिन्ना, नंबर 1 पर ये बाहर का हिस्सा। फिर ये नंबर 2 पर आएगा ईयर लोब, है ना, इसको ईयर लोब कहते हैं, फ्लैशी पार्ट होता है ये। फिर ये पतली सी नली गई हुई अंदर तक, सुरंग जैसी है ना। तो ये क्या है, ऑडिटरी कैनाल, यानी यहाँ से जो है मैसेज सुना जाता है, तो वो इसे यहीं से जाता है और अंदर आपको ये दिख रहा होगा 4 नंबर पर ये ईयर ड्रम है ना। जब मैसेज आता है तो यहाँ पर वाइब्रेट होता है ये। फिर ये मिडल ईयर में जाता है, ये बोन दे रखी है, ये इस बोन का नाम है हैमर। ये क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करती है ना। फिर इनकस अनबिल ये क्या करती है, ये मैसेज को आगे तक वाइब्रेट होके भेज देती है। फिर ये स्टेपीज तक पहुंचाती है, ये भी वाइब्रेट होने लगती है। और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज ही होती है, ठीक है ना। फिर ओवल विंडो तक मैसेज जाता है, वहाँ से राउंड विंडो तक मैसेज जाता है। फिर ये स्टिटियन ट्यूब तक जाता है, इसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। फिर ये इनर ईयर में एंटर कर जाता है मैसेज, है ना। ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा, ये कोचिलिया है और ये बाहर नर्व्स ये ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाती है, ठीक है ना। तो ये है कान का 3D डायग्राम। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। We'll be right back.